इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तारीख की बदतरीन नाकामी के बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है, जिस पर क्रिकेट के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच 15 अक्टूबर से मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। ताहम पहले टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट की तारीख की बदतरीन नाकामी के बाद दूसरे मैच के लिए कौमी स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कल मुतवक्के है और इस मैच में ओपनर इमामुल हक और कामरान गुलाम को खेला जा सकता है, जिनके नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक लेग स्पिन अबरार अहमद, जो कि बीमारी के बायस दूसरे टेस्ट के लिए भी दस्तियाब नहीं होंगे, इनकी जगह नुमान अली को तलब किया जा सकता है। वाज़ रहे कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को इनिंग्स और 47 रन की तारीखी शिकस्त से दोचार होना पड़ा। इस मैच में बॉलिंग तो मुकम्मल प्लाप हुई, ताहम बैटिंग में साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील सब नाकाम रहे। कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा ने पहले इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, लेकिन दूसरे इनिंग्स में सिवाए सलमान आगा की दोनों बल्लेबाज भी ना चल सके।